एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं एकदम बढ़िया हूँ, आई होप आप सब भी ठीक होंगे। तो अभी हम उठे हैं सब्जी खाने के लिए, चलिए। तो मैं खा रही हूँ फैनिया। फैनिया भारी होती है, इनसे भूख कम लगती है। साथ में बनाना और बेसन है। मैं ज़्यादा मीठी चीज़ें खा रही हूँ क्योंकि मीठे से भूख कम लगती है, इसलिए मीठी चीज़ें खा रही हूँ। और फैनिया भी बहुत भारी होती हैं, वो भी भूख को मार देती हैं, तो इसलिए फैनिया भी साथ में खा रही हूँ। इसके बाद हम वापस सोने चले जाएंगे क्योंकि 4 बजे उठ के अब क्या ही करेंगे हम लोग। तो मॉर्निंग हो चुकी है और सुबह सुबह पहले हम साफ़ सफाई करेंगे। उसके बाद मैंने और ताक्षु ने नाई नाई कर ली है, तो पहले मैं ताक्षु के हेयर कॉम कर लूँगी। नाक में कहाँ घुसा रही है क्रीम? फेस पे लगा, चीक्स पे लगा, चीक्स पे लगा, फोरहेड पे लगा, अब चिन पे लगा, चिन। खाते नहीं गधी क्रीम को, खाते नहीं इसको, खाते नहीं। मामा को देखो उधर सामने, इधर टीका, टीका इधर। ऐसे करो, ऐसे करो, चलो हम तैयार होते हैं। तो अभी मैं मम्मी को मेहंदी लगा रही हूँ। करवा चौथ का दिन ऐसा दिन होता है जिस दिन हर औरत अपनी मतलब स्किन केयर से लेकर आउटफिट से लेकर हर चीज़ का मतलब प्रॉपर ध्यान रखती है कि किसी चीज़ में कोई कमी ना रह जाए। कहते नहीं ये सुहाग का दिन होता है, मतलब अपने सुहाग के लिए सजना, ये एक अलग ही मतलब फीलिंग होती है। तो अभी मैं मम्मी को मेहंदी लगा रही हूँ दोनों हाथों में। मम्मी ने बोला मुझे पैरों में भी डालनी है, तो मैंने खुद पे भी डाली थी, रात को ही डाली थी मैंने। तो ऐसे लगती भी कहाँ है, मौका नहीं मिलता है बार बार डालने का पैरों में मेहंदी। तो हम दोनों ने हाथ पैर अपने भर दिए अच्छे से। तो ताक्षु ने मैंने रेडी कर दिया, अब मुझे भी रेडी होना है, तो मैं भी रेडी हो जाती हूँ। हाँ मम, अभी ताक्षु को सोने का टाइम हो गया है, निन्नी का टाइम हो गया है। निन्नी करनी, निन्नी करनी, तो मम्मा को किच कर दे, मम्मा को। मम्मा से नाराज कैसे होती है ताशु? ऐसी होती है नाराज?
कैसी होती है नाराज? तो अभी ताक्षु की निन्नी का टाइम है, इसको हम सुला देते हैं। उसके बाद जब ये उठेगी उसके बाद हम हो जाएंगे फिर तैयार। सुंदर सुंदर बनेंगे ना, सुंदर बनेगी मम्मा के साथ बनेगी। ठीक है, तो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ। हाँ जी, परांदा डाला हुआ मैंने, परांदा क्योंकि रोज नहीं लगता है, कभी कभी ओकेजन होता है परांदा डालने का। मुझे ऐसे शौक बहुत है परांदा डालने का, लेकिन मौका मिलता नहीं है, तो आज मिला है तो मैंने डाल लिया है। अपनी पूरी आउटफिट दिखा, अज्जा का मेरी गुड़िया, क्या मेरी गुड़िया पास नहीं जाना मम्मा। तो मैंने ये जो चंबा का सेट है ये भी डाल लिया है। मुझे मम्मी ने बोला वो सेट क्यों खरीदा है, उसको भी पहनो इसलिए मैंने पहन लिया। शाम को मैंने फिर से रेडी होना है, शाम को मैं पहनूंगी मेरी शादी का लहंगा, क्योंकि पिछली बार मैंने शादी वाली साड़ी पहनी थी। हम गांव वाले घर में थे, पिछली बार मेरा पहला व्रत था तो मुझे मौका नहीं मिला है मेरा जो वेडिंग लहंगा है उसको दोबारा पहनने का। तो शाम के टाइम जब व्रत तोड़ूंगी तो मैं अपना वेडिंग लहंगा पहनूंगी, तो मैं फिर से रेडी होने वाली हूँ आज। तो अभी हम फिलहाल मंदिर जाएंगे, तो चलिए मंदिर के लिए जो थाली वगैरह होती है उसको बनाते हैं सबसे पहले। अभी हम जाएंगे मंदिर, तो सभी मिलके जाएंगे। तो मैं दिखाती हूँ हमारे साथ कौन कौन जा रहा है। तो अभी मैं आ गई हूँ मार्केट, हम मुझे लेने हैं राजमा, नाइट के लिए सब्जी बनानी है, मतलब नाइट को हम आज राजमा खाएंगे, सबकी फेवरेट है राजमा, तो इसीलिए। तो फाइनली मैंने सामान ले लिया है और अब हम निकलेंगे घर की तरफ, जाएंगे घर की तरफ। तो घर पहुंचते ही सबसे पहले हम राजमा को बॉईल करने के लिए रख देंगे, क्योंकि राजमा को बनने में टाइम लगता है, तो इसीलिए इसको पहला काम यही कर देंगे। और इसके लिए जो एसेंशियल मसाले होते हैं पहले वो डाल देते हैं। इसमें मैंने ऑयल डाला है, ऑयल से ये होता है कि जो पानी है वो बाहर नहीं निकलता है। तो जब तक राजमा बनते हैं तब तक हम जो इसके लिए जो टमाटर प्याज वगैरह लगता है उसको छील लेंगे, और इसका जो प्रॉपर मसाला है वो भी तैयार कर लेंगे। तो फाइनली जो खाना है वो बन चुका है, अब इसके बाद मुझे फिर से रेडी होना है। मतलब मैंने पहले ही बोला कि मैंने अपना शादी का लहंगा दोबारा नहीं पहना, मुझे मौका ही नहीं मिला, तो ये बहुत अच्छा मौका है, तो मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहती। तो मैं अभी दोबारा से रेडी होंगी, थोड़ी देर बाद जान भी निकल आएगा, तो बने रही मेरे साथ इस बार। तो अभी पापा आ गए हैं घर, तो पापा ने बोला उनको चाय के साथ खानी है फैनिया, तो उनको फैनिया सर्व कर देते हैं। तो अभी मैं रूम आ गई हूँ, मैं ताक्षु के पापा का वेट कर रही हूँ क्योंकि मैं तैयार ही हूँ सुबह, तो मैं चाहती हूँ कि वो मुझे ऐसे देखें, लेकिन अब क्या बोल सकते हैं, उनको 4-5 दिन हो गए वो घर ही नहीं आए, गाड़ी के साथ ही हैं, डे नाइट घर आते ही नहीं हैं। तो मैं सोच रही थी कि वो मुझे इस आउटफिट में देखें फिर मैं चेंज करूँ कपड़े, लेकिन वो पता नहीं कब तक आएंगे कि फिर टाइमली कि नहीं आएंगे। अगर वो टाइम से नहीं आए तो फिर मैं इन्हीं कपड़ों में व्रत जो है वो अपना मतलब खोल लूँगी, अगर आ गए जल्दी तो फिर होगा टाइम चेंज करने का कपड़े, तो फिर चेंज कर लूँगी। तो फिलहाल वेट करते हैं उनका। तो फाइनली मेरे पति देव आ गए हैं, और ये बहुत गंदे पति हैं, इन्होंने मुझे बहुत वेट करवाया, ये बिल्कुल भी अच्छे पति नहीं हैं।
अच्छा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सॉरी मुझे नहीं चाहिए आपकी सॉरी, मुझे आप चाहिए। आ गए हम। मैं नाराज हूँ। सॉरी मुझे नहीं चाहिए, सॉरी नहीं चाहिए, सॉरी। अच्छा ऐसे भी पति होते हैं क्या करना, हमारे काम ऐसे हैं। पूरा दिन भूखी प्यासी बैठी हुई है, पड़ी ही नहीं है कोई कदर ही नहीं है। अच्छा कदर नहीं करोगे तो भगवान छीन लेता है। नहीं जी ऐसा नहीं होता झूठी बात। बाय बाय बाय, थैंक यू। तो अभी मैं आउटफिट चेंज करूंगी क्योंकि टाइम से आ गए। थैंक यू। तो ताक्षु और ताक्षु की मामा बाहर चांद को देखने आए हैं कि निकला है कि नहीं। और ताक्षु को देखो, ताक्षु मामा के लहंगे के साथ खेल रही है। ताक्षु मामा का लहंगा सुंदर सुंदर, मामा सुंदर सुंदर। ये मम्मा के फोन को मेरे को टच करने नहीं देती। ये मम्मा का फोन, ये इधर, ये मम्मा जल्दी। नेट नहीं चल रहा मम्मा। पहले ये बता मम्मा सुंदर लग रही है, मम्मा को देख, पहले मम्मा को देख, मम्मा सुंदर लग रही है नहीं लग रही। चली जा चली जा, ले फोन ले और चली जा। तो बता लग रही है मम्मा सुंदर नहीं लग रही है? दादू के पास जाना नहीं जाना, ठीक है मम्मा पास बैठना। तो फिर किसी कर तब रखूंगी, तू कर मम्मा को, ताशु करेगी मम्मा को। अच्छा अच्छी, तो हम कर रहे हैं चांद निकलने का वेट, लेकिन चांद के आज के दिन बड़े ही नखरे होते हैं भाई। आज के दिन चांद के नखरे और दूसरे चांद के भी, मेरे दूसरे चांद के भी नखरे हैं, नखड़े में नहीं चांद के। शुरू हो गए आज एक तो मेरी मेरी परीक्षा है, व्रत है मेरा। ऊपर से ताक्षु बैठ ही नहीं रही है, रो रही है, ऐसे बैठ जाती है दादा दादी के पास, आज बैठ ही नहीं रही। तो फाइनली ताक्षु को भूख लगी है और इसको सोना भी है, नदी खानी है। मम्मा के पीछे दूध पी रही है, मैं दूध पीना। बाय बाय बाय, गुड नाइट गुड नाइट। चांद अभी तक नहीं निकला है, मैं काफ़ी देर से वेट कर रही हूँ और ये भी आ गए हैं रेडी होके, लेकिन चांद निकला नहीं है अभी तक। दोस्तों ये इंसान मेरी वीडियो नहीं बना रहे हैं अच्छी जैसी वीडियो रील के लिए, ये तंग हो गए हैं, कह रहे हैं अब मैं और भी रील नहीं बनाऊंगा, ये जा रहे हैं। देखो भला, और चांद भी आ चुका है, ये देखिए वाह। कौन बोलता है चुरताई बंदना, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। खैर मुझे तो पड़ता है, चाय का ऐसा बंदना। इंतजार खत्म हुआ, चांद आ चुका है और अभी मैं अंदर सबको इन्फॉर्म करूंगी क्योंकि अंदर वालों को पता नहीं। चांद आ चुका है, इनको मैं ही बताऊंगी। तो चलो उनको सबको बताते हैं। कौन में बोलता चालिया, आपको नहीं था पता लेकिन पूजा करे पापा। आजा पापा की गोदी, आजा पापा की गोदी, आजा
हमारी सब गुड़िया को अलग ही एक्साइटमेंट है। जया करना अब तेरी बारी भी आई जया करने रोडी तो का खिलाना मामा को तो अब चेंज चेंज करते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। तो हमने खाना खा लिया है, अब हम करेंगे निन्नी निन्नी निन्नी। ब्लॉग को यहीं पेंट कर देते हैं ना मम्मा मम्मा। हाँ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और मेरी नई नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अच्छा अच्छा करो शाबाश, थम्स अप सीख गई करना, वेरी गुड। बाय बाय किच्ची भी मामा मामा